हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो से हम पाइथन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है इस चैनल का, जिसमें हम देखने वाले हैं पाइथन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और पाइथन का इंस्टॉलेशन इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम बस दो ही चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे आप विंडोज 11 में पाइथन का लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो, और एक छोटा सा पाइथन का कोड लिख करके देखेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस में हम पाइथन को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जी एडवांस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, या फिर आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए? मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट पाइथन ही क्यों सीखना है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पाइथन सीखने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इजी टू यूज़ लैंग्वेज है। मतलब कि अगर आपको पहले से कोडिंग नहीं आती, तो फिर भी आप पाइथन सीख सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। पाइथन को यूज़ करना बहुत ही आसान है आज के टाइम पे, और काफ़ी सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जिसकी मदद से आप पाइथन सीख सकते हो, पाइथन को समझ सकते हो। इसलिए हमने सोचा कि पाइथन का सीरीज सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप एक बिगिनर प्रोग्रामर हो, पाइथन को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको पाइथन से ही स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा रीज़न है, पाइथन में लार्ज अमाउंट ऑफ पैकेजेस मीन्स ऑलरेडी बड़े बड़े पाइथन डेवलपर्स ने आप पैकेजेस लिख करके रख दिए हैं, हमें बस उन्हें इंस्टॉल करना है और अपने कोड में यूज करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैकेजेस। अगर आप भी एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो जाते हो, तो आप पाइथन पैकेजेस बना सकते हो और सर्वर पर होस्ट कर सकते हो, जिसको पाइथन डेवलपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर रीज़न है पाइथन को यूज़ करने का। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है कि पाइथन को आप किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो, जैसे कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, APIs एंड बहुत सारे फील्ड में पाइथन फिट फिट बैठ रहा है। उसकी मदद से आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसकी वजह से पाइथन ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है आज के टाइम पे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें कौन सी कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी चाहिए, तो पाइथन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इसलिए हमने पाइथन का ये ट्यूटोरियल लाने का सोचा। तो यार चलो देखते हैं, अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, बिल्कुल आप फ्रेश पाइथन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन के लेटेस्ट वर्जन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलो यार देखते हैं कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ की प्लस आर प्रेस करना है और टाइप करना है CMD, एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है पाइथन, और आपको कुछ इस तरह का मैसेज मिलता है, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। डैट मीन्स आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहले आपको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो यार देखते हैं पाइथन को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं। फिर आकर हम अगेन ये कमांड यहाँ पर एंटर करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमको मिलता है। तो पाइथन के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए हमें पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी पड़ेगी। तो ये हमारा है पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पर डाउनलोड्स पर कर्सर लेकर जाना है, और यहाँ पे आपको पाइथन का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। वीडियो शूट करते टाइम पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.1.3.12.2। हो सकता है आपके टाइम पे ये पाइथन वर्जन चेंज हो चुका हो, बट फिलहाल के लिए हम पाइथन के इसी वर्जन के साथ जाने वाले हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये लोकेशन पूछेगा कहाँ पर डाउनलोड करना है, तो मैं डेस्कटॉप पर डाउनलोड करना चाहूँगा, सेव करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथन डाउनलोड हो चुका है, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट है, तो बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो गया है। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथन का ये इंस्टॉलर डाउनलोड हो चुका है। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि आपको इन दोनों पे टिक मार्क करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ये कुछ टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो वेट कर लेते हैं तब तक इंस्टॉल हो रहा है। और उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, तो अगेन हम अपने कीबोर्ड से विंडोज़
की प्लस आर प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे सीएमडी, और फिर टाइप करेंगे पाइथन उसका वर्जन चेक करने के लिए, ताकि पाइथन सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तब तक हम वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट हो रहा है। तो फाइनली पाइथन इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम में। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे, सीएमडी टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पर पाइथन करेंगे और प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली अपने विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन 3.12.2 को डाउन इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम देखते हैं जो हेलो वर्ल्ड का होने वाला है, या फिर कोई दूसरा मैसेज हम यहाँ पर प्रिंट करा कर देख लेंगे। तो पाइथन में किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम हेलो वर्ड लिखेंगे और इसे प्रिंट कराने के लिए हमें एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। डैट मीन्स कि हमने पाइथन को सक्सेसफुली अपने विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि एक पाइथन की आईडीई को कैसे इंस्टॉल और सेटअप करना है, ताकि उसमें हम पाइथन के कोड को लिख सकें। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम और यहाँ पर देख लेते हैं। और पाइथन में आपने किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए सिंगल डबल कोड या सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक सिंगल कोड में लिख के दिखाते हैं, पाइथन इज इंस्टॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल कोड में भी प्रिंट हो सकता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप पाइथन को इंस्टॉल एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे। और एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखाया, बट इन रियल लाइफ एप्लीकेशन में आप किसी कोड एडिटर को यूज़ कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम यही देखने वाले हैं कि पाइथन के आईडी पाइचाम को कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो फिर इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए।